अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड जो है वो आपका अच्छा गुजरा होगा। आज जो है वो हम बात करेंगे कि मुमकिन तौर पर मंडे को जो है वो मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, और जो क्लोजिंग की हम बात करेंगे वो 3 तारीख की क्लोजिंग की होगी कि 3 तारीख को मार्केट ने जो है वो कैसा परफॉर्म किया, और जो 7 तारीख है जो कि मंडे वाला दिन है उसमें मुमकिन तौर पर मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन रही। जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 118 पॉइंट जो है वो डाले, लेकिन मार्केट का जो इंडेक्स है वो अभी भी 48,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है। हाँ, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर इंशाल्लाह हम मजीद जो है उसके बारे में राय कायम करेंगे कि अपसाइड मूव जो है वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ जो बना हुआ है वो 48,300 का है। खैर, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करते हैं जब हम कैंडलस्टिक पे जाएंगे। जुमे वाले दिन मार्केट में अच्छी खासी जो है वो मूवमेंट रही, हम तो काफ़ी खुश हैं इस हवाले से, अच्छा रहा दिन हमारा एक और। चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन रही, क्या 100 पॉइंट्स जो मार्केट में पड़े हैं उसका कोई इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है या कि नहीं। सर्किट ब्रेकर के हवाले से अगर हम देखें तो तकरीबन 13 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप रहीं, इसमें से बहरहाल 2 कंपनीज ऐसी अपर कैप हुई जिनके बारे में हमारी राय थी, हम उसमें पहले बाइंग कर चुके थे, मैं भी और मेरे क्लाइंट्स भी। उनमें से एक में तो मैं खैर बाइंग कर पाया, दूसरे में तो मैं नहीं कर पाया। मुझे खुद जो है जो मैंने लेवल्स जो थे वो अपने दोस्तों के साथ शेयर किए थे। देखिए, बाज़ का चीज़ें ऐसा हो जाती हैं क्योंकि उस लेवल पर चीज़ें बाज़ का बहुत थोड़े टाइम के लिए आती हैं, तो बाज़ का आप मिस कर जाते हैं उसको। तो मैंने जो है वो 2 शेयर्स अपने दोस्तों को रिकमेंड किए थे, एक गैलेक्सो था और दूसरा था पार्क डाटा कॉम। तो बहरहाल दोनों ही अपर कैप हुए, अच्छी बात है। कुछ दोस्तों ने ये सवाल पूछा था कि जी आप हर वक्त जो है वो ये फरमाते हैं कि जी आप बाइंग पे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारा जो है वो साथ साथ सॉरी सेलिंग पे है। हम सेलिंग पे जरूर हैं लेकिन इसके साथ साथ हम बाइंग भी कर रहे हैं, जहां पर हमें कुछ सिक्योर पोजिशन नजर आती है तो हम उसके अंदर जो है वो बाइंग भी करते हैं सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सेलिंग पे ही हैं, बाइंग सेलिंग दोनों साथ साथ चल रही हैं। खैर, आगे चलते हैं जी। और लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में 4 कंपनीज जो थी वो लोअर कैप में रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई खास कंसीडरेबल्स नहीं है ये चारों की चारों। इनमें कभी कभी वॉल्यूम्स लगते हैं, मेरा ख्याल है इसको इग्नोर ही किया जाए। आगे चलते हैं और ग्राफिकल व्यू का जायजा लेते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। देखिए, ग्राफिकल व्यू जो है इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ जिस चीज़ ने आके अपनी जगह बनाई है वो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। हालांकि आप यकीन कीजिए कि जुमे वाले दिन जब मैं इस ग्राफिकल व्यू को ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स देख रहा था तो एक वक्त में ऐसा था कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स का वाला सेक्शन है, सेक्टर है पूरा का पूरा, इसने टेक्नोलॉजी के सेक्टर को स्क्वीज कर दिया था, ये पहले नंबर पे चला गया था। तो बहरहाल एक न्यूज़ भी है ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से, पावर सेक्टर के हवाले से, तो मेरा ख्याल है शायद इसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिले। उस पे समरी पे चलते हैं तो इंशाल्लाह बात करेंगे। चलते हैं जी समरी पर। समरी में 140 तकरीबन डिक्लाइन में और 232 जो है वो अपसाइड पे रहीं। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के हवाले से एक न्यूज़ है कि जी वो कोई टैक्सेस वगैरह कम होने लगे हैं इनके ऊपर, क्या कहते हैं जी इसको, गाड़ियों के ऊपर, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से घंधारे वगैरह, एटलास होंडास और ये इंडस मोटर, ये सारे ही जो है ये तकरीबन तकरीबन अपर कैप के करीब ही जाके बंद हुए हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन चूंकि अब न्यूज़ जो है वो चूंकि आई, उसका इम्पैक्ट जो है वो भी आ गया, तो जब चीज़ों का इम्पैक्ट आ जाए तो मेरा ख्याल ये है कि कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो आए हाय 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 हाय, जाहिर सी बात है जी, पार्ट्स लगेंगे तो गाड़ियां बनेगी ना, बगैर पार्ट्स के तो गाड़ियां नहीं बन सकती, तो उसका भी इम्पैक्ट बहरहाल सबके ऊपर ही आया, लोड्स से लेकर और
बैटरीज तक सारी की सारी जो हैं वो बहरहाल अपसाइड मूव में है, तो अच्छी बात है जी। आगे चलते, जिनके पास है वो एंजॉय करें। केबल्स की बात करें तो केबल्स में पोजीशन ठीक है, वेव्स की इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी हमें देखने को मिली है। मैंने जो रिकमेंड किया था अपने दोस्तों को वो पाकिस्तान केबल था, ये हमने कोई 127 के करीब मेरा ख्याल है कि रिकमेंड किया था, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ठीक है, 160 पे चला गया यार, अब और क्या लेना आपने इसमें से, बस करें। कितना रस नहीं चढ़ेंगे इसमें से। तो चीज़ों को अब थोड़ा सा मेच्योर, जो वो क्या कहते हैं ना उनको, जो आपके जितने भी ट्रेड्स हैं ना उनको मेच्योर करें। देखें ट्रेड जो है ये मेच्योर किस वक्त होती है, ये सर मेच्योर उस वक्त होती है जब आप उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। एक तो मेच्योर ये भी कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को बाय कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हमने जो चीज़ बाय करनी है, बाय की हुई है, उसकी नीयत हमारी ये है कि हम इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, तो हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो उस वक्त मुकम्मल होगी जब उसमें से हम प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि प्रॉफिट टेकिंग फरमानी चाहिए। सीमेंट सेक्टर जो है बहरहाल थोड़ा डिप्रेस रहा, पावर शावर पाइनियर इन सब में कोई खास जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने में नहीं आई, लेकिन ये ऐसी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बात ये है कि स्टॉक मार्केट हमारी जो पाकिस्तान की है, इसमें अगर आप ट्रेडर्स की तादाद देखें तो वो बहुत कम है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत कम है। तो यही वजह है कि वो एक वक्त में जब न्यूज़ आती है किसी चीज़ की, तो ज़्यादातर जो हमारे इन्वेस्टर हजरात हैं, क्योंकि उनकी जाती स्टडीज जो हैं वो बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो, खैर जिस तरह मैं हूँ या मेरे दूसरे दोस्त भी हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, कंसल्टेंसी भी देते हैं, हमारी तादाद भी बहुत कम है, बहुत कम है, हमारी तादाद भी बहुत कम है। ज़्यादातर जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो चलते हैं ब्रोकर्स के कहने पर, और ब्रोकर्स जो हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रिकमेंड करते रहते हैं, जी ये खरीद लें, ये खरीद लें, ये खरीद लें। देखिए दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। मैं या मेरे जैसे दोस्त अहबाब जब हम कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं तो हमारा क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है, ब्रोकर्स का थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, क्योंकि ब्रोकर्स अगर बाइंग सेलिंग रिकमेंड करते हैं तो जितनी ज़्यादा बाइंग और सेलिंग होगी उनसे उतनी ही ज़्यादा जो है वो कमीशन जनरेट होगी। जबकि हमारे जैसे जो दोस्त अहबाब हैं उनका काम करने का जो तरीकाकार है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हमने तो फ़र्ज़ करें कि थोड़ी बहुत जो भी फीस लेनी है हमने तो महीने बाद ले लेनी है, चाहे हम जो है वो कुछ कम रिकमेंड करें ज़्यादा ज़्यादा रिकमेंड करें, तो हमारी जो थोड़ी सी ग्रीडीनेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा ना गौर व फिक्र फरमाया करें कि चाहे आपको पेड सर्विस ले रहे हैं या आपको फ्री में कोई टिप मिल रही है या आप ब्रोकर के कहने पर कुछ खरीदने हैं, तो सर देखिए पैसा है आपका, तो आप जो है इन तमाम बातों के साथ साथ कुछ अपनी स्टडी जरूर फरमाया करें, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो सीमेंट सेक्टर में बहरहाल थोड़ा सा डिप्रेशन देखने में आया है, लेकिन ये इतना लंबा नहीं होगा, जिनके पास है वो अभी थोड़ा हौसला फरमाएं। केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में यार मेरा ख्याल है कि कोई एक दो कंपनीज निकालनी चाहिए हमें। अभी मेरा ख्याल है कि केमिकल सेक्टर में मेरे पास सिर्फ एक कंपनी है, कुछ इंशाल्लाह और भी एक दो मुझे नज़र आ रही है, वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है इसके बारे में चले मैं आपको एक टिप देता हूँ। टिप क्या देनी है यार, बस एक वैसे ही एक बात ही है, हमारा कोई इतना तजर्बा या एक्सपीरियंस तो वो क्या कहते हैं जी नॉलेज तो है नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसे सेक्टर्स आपको ना सेक्टर्स में से स्विचिंग करनी चाहिए, इंडेक्स की बजाय आप शेयर्स में स्विचिंग करें। एक शेयर फर्ज करें ऐसा है जिसमें से आपने 15%, 12%, 14% प्रॉफिट निकाल लिया, फाइन पोजीशन काट दें और नई स्टडी फरमाएं, नए एवेन्यूज ढूंढें, नई जगह तलाश करें। मार्केट के अंदर 400 कंपनीज हैं, 400 प्लस कंपनीज हैं, गौर फरमाइए, आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और सेक्टर्स में से स्विचिंग फरमाइए। अब ये जो आपका सीमेंट और स्टील सेक्टर है, स्टील तो काफ़ी खैर थोड़ा सा परफॉर्म कर गया है, उससे पहले सीमेंट ने भी किया था, लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी है। पावर सेक्टर को देखें, वो मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि आप पावर सेक्टर को देखें, उसकी भी न्यूज़ आ गई है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं,
डेस्कॉन जो है वो बहरहाल अच्छे लेवल पर है। अच्छे लेवल पर किस हवाले से है, खरीदने के हवाले से नहीं, बेचने के हवाले से बात कर रहा हूँ। 32-33 पे जाए तो थोड़ी सी मेरा ख्याल है आपको प्रॉफिट टेकिंग फरमानी चाहिए। इसके बाद है लॉटे केमिकल है, नहीं वो थोड़ा सा ऊपर है। बस यार आगे चलते हैं। बैंक्स, बैंक्स के ऊपर जो है वो थोड़े से साए छाए हुए हैं। बैंक्स में कुछ खरीदारी फरमा लें आप लोग। चले मैं आपको बता ही देता हूँ यार आज क्या याद करेंगे। एलाइड बैंक आप देख सकते हैं, एमसीबी देख सकते हैं। दो हो गए, चलें दो ही बड़े हैं, अय्याशी करें यार, उठा लें। लेकिन स्टेप्स में बाइंग कीजिएगा। अब देख ले मैंने आपको दो बैंक्स बता दिए हैं फ्री में। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर में भी मिला जुला रुझान है यार। ये जिनके पास अमरेली स्टील है ना, ये मेरा ख्याल है अब इधर उधर होने की तैयारी फरमाए, ठीक है ना, और बाकी किसी और शेयर में जो है वो एंट्री फरमाने की कोशिश करें। आगे चलते हैं जी फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर सेक्टर तो सदाबहार सेक्टर है, जब चाहे आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। फूड के अंदर भी जो है वो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। माशाल्लाह सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो हरे हरे हुए हुए हैं। हमारे पास जो इस वक्त है वो अलशहीद है, हमारे पास नेशनल फूड है। इसके अलावा दी ऑर्गेनिक मीट तो आपको याद है, मैंने आपसे कहा था कि मैंने 36 में बेच दिया था सारा, अब और नहीं है क्योंकि उसके ऊपर मुझे कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी। तो आगे चलते हैं, ग्लास एंड सिरामिक्स में मैं फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा। इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस में मेरे पास अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंश्योरेंस सेक्टर यार पाकिस्तान में हमेशा डिप्रेस ही रहता है, इसलिए ना पता नहीं क्यों एक खौफ सा लगा रहता है, दिल नहीं मुतमिन नहीं होता। हालांकि चीज़ें मुझे बड़े अच्छे अच्छे लेवल पर नज़र आ रही हैं दो तीन, लेकिन ना कुछ मुतमिन नहीं हूँ मैं इस हवाले से। तो आपको याद है कि मैं हमेशा याद होगा कि मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि यार टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सारी की सारी बातें भी अगर पूरी की पूरी 100% किसी मुकाम पर जा रही हो और कुछ पॉइंट आउट कर रही हो, लेकिन अगर आपका दिल मुतमइन ना हो तो वो ट्रेड ना फरमाया करें, वो चीज़ ना खरीदा करें। उसमें फ़ायदा होने के बावजूद भी आप मुतमइन नहीं हो पाएंगे, तो मुतमइन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि चूंकि मुझे कुछ थोड़ी सी, मैं मुतमइन नहीं हूँ इंश्योरेंस सेक्टर से, हालांकि इसमें लेवल्स अच्छे हैं बहरहाल दो तीन शेयर्स के, लेकिन नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ जो है इसका ऊपर नीचे का काम जारी है। देखिए ये शेयर ऐसा है कि इसको जिसने खरीदना है वो क्या कहते हैं, ज़रा बेल्ट टाइटनिंग करके रखे अपनी, बेल्ट टाइटनिंग से मैं अलर्ट, कहाँ बेचना है, कहाँ पे खरीदना है, कहाँ बेचना है, कहाँ पे खरीदना है, फिर इसमें से पैसे बनेंगे। और 11-12 रुपए तक ये ऊपर नीचे आप लोग जो क्या कहते हैं कलाबाजियां लगाएगा। मैं तो उस दिन अपने एक दोस्त से कह रहा था, मैंने कहा यार बंदर का बच्चा और फर्स्ट नेशनल इक्विटी, ये एक जगह टिक के नहीं बैठते। तो इसलिए ये शेयर अच्छा है, जिसने कुछ ऊपर नीचे पोजिशनें काटनी हो जल्दी जल्दी वो ये काट सकता है। लेकिन जो लोग मेरे जैसे बेचारे स्लो हैं वो ज़रा इनसे इससे परहेज ही फरमाए। आगे चलें जी और देखें, बाकी इसमें यार कुछ जेएस है, जेएससीएल को देख सकते हैं, जेएसआईएल को देख सकते हैं। ये दो तीन शेयर्स इसमें हैं जिनके अंदर मूव्स जो हैं वो बनती रहती हैं। आईसीआईबीएल जो है ये उस दिन जो है वो 36 पैसे, 36% ऊपर चला गया, आज ये 36% नीचे आ गया। तो ज़रा जिन्होंने खरीदा हुआ है ना ऊपर, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वह हौसला फरमाए, वो इधर उधर होने की तैयारी फरमाए। आगे चलते हैं, लीजिंग छोड़ दें, लेदर्स भी छोड़ दें। बादशाह का शेयर कहाँ है, 2 रुपये नीचे। यार ये मेरे पास एसटीपीएल था, मेरा ख्याल है कोई 15 रुपये की बाइंग थी शायद मेरी, मैंने तो इसको 18 रुपए पे दिया बेच यार। हालांकि इसके बारे में एक न्यूज़ है सिद्दीक टिन प्लेट के हवाले से कि इन्होंने को अपने जो है वो क्या कहते हैं जी देने हैं राइट्स वगैरह, कुछ पेड अप कैपिटल ये बढ़ाना चाह रहे हैं।
लेकिन मैंने इसका देखा यार, चार्ट शार्ट देखा, मैंने इसका एनालिसिस वगैरह किया कुछ। मेरा तो ये ख्याल था कि 18 रुपये पर इधर उधर हो जाना चाहिए, तो मैं तो इधर उधर हो गया हूँ। बाकी जिनके पास है वो मेरा ख्याल है कि अपना फैसला खुद फरमाए। अगर तो वो वेट कर सकते हैं इनके पेड अप कैपिटल के हवाले से, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो मेरी तरह के जो है वो थोड़ा सा दिल की बात मानने वाले लोग हैं, तो फिर 18 साढ़े 18 पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, फिर भी ठीक है यार। 3-4%, 5% से ज़्यादा ही प्रॉफिट है। 3-4% से ज़्यादा क्यों यार, बल्कि 15 रुपये का लेकर अगर आपने 18 रुपये का बेचा है तो इट्स अ गुड प्रॉफिट यार। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मुदारबाज यार, मैंने एक मुदारबा खरीदा है, मैंने आपको बताना नहीं है बल्कि वो मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि आपको याद होगा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि यार मुदारबाज में मैं काम नहीं करता, लेकिन वो मुदारबे का टेक्निकल एनालिसिस मैंने जब किया ना तो मुझे वो अच्छा लगा, तो मैंने वो बाय कर लिया है। जब ऊपर जाएगा तो फिर बताएंगे आपको। मुदारबा माले मैंने जब खरीदा था तो मैंने आपको बता दिया था कि यार मैंने बेच दिया। आगे चलें जी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है यार। ये न्यूज़ आई है ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से और पावर सेक्टर के हवाले से, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मज़ीद इम्पैक्ट आएगा। और ये भारी भरकम सेक्टर्स हैं, जब ये चलेंगे, ऑटोमोबाइल्स वैसे ही इसको सपोर्ट कर रहा है, तो मार्केट जो है वो छलांगे लगाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि आप ज़रा तैयारी फरमाएं प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए। फार्मास्यूटिकल्स में हमारे पास जो था वो ग्लैक्सो था छोटा, ये इसका बहरहाल 11 रुपये का कैप लगा। अच्छी बात है यार, हमारे दोस्तों ने इंजॉय किया है, वो मज़ीद भी करेंगे। मैंने नहीं खरीद सका लेकिन दोस्तों ने खरीदा हुआ है, वो अल्लाह उनको मुबारक करे। आगे चलें जी, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता ना कि जो बेचारा वो क्या कहते हैं सजेस्ट करने वाला होता है वो पीछे रह जाता है, और जो लेने वाले वो आगे निकल जाते हैं। क्योंकि मैं एनालिसिस करने के बाद फौरी जो है वो अपने तमाम दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ, जिसके लिए जिसके मुताबिक वो चीज़ होती है। ऐसा नहीं होता कि सबको एक ही शेयर हम रिकमेंड कर देते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन यह है कि उसके बाद जब एनालिसिस करने के बाद जब हम लोग बाज़ औक़ात जाते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती, तो चलिए कोई बात नहीं, हमें हम कुछ और ढूंढ लेंगे। अच्छा नहीं, बात एक यहाँ पर भी है ना, मुदारबा मैंने अकेले ने खरीदा वो मैंने किसी को नहीं बताया, तो चले कोई बात नहीं। क्योंकि वो मतलब उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना मुदारबे का, एक मुदारबा मैंने खरीदा पहले, उसको बेचा, अब ये दूसरा खरीदा है, अब इसको देखूंगा, फिर इस सेक्टर का जायजा लेंगे, फिर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि हाँ यार इसमें से भी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, और वो किस तरह से निकलती है, फिर इंशाल्लाह स्ट्रेटेजी बनाएंगे। पावर जनरेशन की बात करें तो पावर जनरेशन में हमने बहरहाल एक शेयर तो खरीद कर रखा हुआ है, देखेंगे कि वो क्या करता है। लेकिन बहरहाल पावर सेक्टर के मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इम्पैक्ट जो था वो पहले भी आया था जब न्यूज़ आई थी, और अब जो न्यूज़ आई है उसका भी इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो जो जो शेयर्स नीचे हैं इनमें से आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर आप तो कोई एंट्री लेना चाहें, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि के इलेक्ट्रिक वगैरह से दूर रहना चाहिए, ये थोड़ा सा चक्कर लगा बैठे हैं। सैफ पावर भी बहरहाल मैं इसको 15 रुपये 15.5 से ऊपर लेने का हामी नहीं हूँ। पाकिजन वैसे 30 रुपए के करीब पहुंच गया है। लाल पीर में वैसे ही पीर साहब हैं, आ जाके अगर कुछ शेयर नजर आता ना तो वो हबको है, ठीक है ना। चलते हैं जी आगे, रिफाइनरीज को भी छोड़ दें, शुगर्स को भी छोड़ दें, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एवेंसियन, एवेंसियन यार मैंने तो अपने दोस्तों से कहा कि बेच दें सारा, उन्होंने तो दिया है पेच, क्योंकि दूसरा हमने जो एंट्री जिसके अंदर बनाई है वो है पार्क डाटा कॉम। तो पार्क डाटा कॉम ने एक तो हमें दे दिया है अपर लॉक, कोई एक और दे दिया तो हमारा तो प्रॉफिट पक्के हो गया ना, फिर 10% प्रॉफिट थोड़ा तो नहीं होगा, 10-12%। आगे चलते हैं जी, और टेक्सटाइल में भी मूड नहीं है यार। ये जिनके पास है ना गुल अहमद टेक्सटाइल, ये बिल्कुल जो है वो इसना का बोनस बोनस भी है 20% का, तो मेरा ये ख्याल है कि शायद ये थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाए। तो ये शेयर जब ऊपर जाएगा फिर जब ये एक्स होगा तो मेरा ये ख्याल है कि मज़ीद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आपको नीचे से भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जिनके पास है वो ज़रा होल्ड फरमाएं, इंशाल्लाह अच्छी जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी सॉरी अच्छा प्रॉफिट जो है वो इसमें से जनरेट हो जाएगा।
बाकी ये है कि एक्सपोर्ट्स के हवाले से और टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं कि पता नहीं एक्सपोर्ट्स को डबल ट्रिपल होने लगी हैं और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। देखिए ये जून का महीना जो है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आनी है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले मैंने, मेरा ले मार्च के महीने की मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि FATF जो है अब उसका भी रिजल्ट मेरा ख्याल है दोबारा फिर करीब करीब ही है और FATF में से इन्होंने निकलना कोई नहीं है। ये मैंने आपको शायद मेरा ख्याल है मार्च के महीने में कह दिया था। इस चीज़ को मत भूलिएगा जब आपने पोजीशन बनानी है स्टॉक मार्केट के अंदर। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं तो तीन चार चीज़ों को जहन में ज़रूर रखिएगा। नंबर एक बजट के हवाले से, नंबर दो FATF के हवाले से, नंबर तीन GSP स्टेटस के हवाले से। तो GSP स्टेटस जो है वो भी तलवार लटकती रहेगी। FATF में से इन्होंने निकलना नहीं है। आ जाके ये ज़रूर होगा कि चूंकि गवर्नमेंट के हालात जो है वो गुज़िश्ता 2-2.5 साल के मामले में जो उन्होंने नीचे से ऊपर आना, नीचे को हाथ लगाना था ज़मीन को, वो लगा चुके हैं। तो अब हालात जो है वो इससे नीचे नहीं हो सकते। जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए ना कि वो क्या कहते हैं कि जी सिपाही से नीचे रैंक तो कोई नहीं होता, ठीक है ना। तो जब एक बंदा सिपाही बन जाए तो फिर उसने उसे ऊपर ही जाना होता है। तो हमारी ग्रोथ जो है इंडस्ट्री की वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सी है। तो जब आपने इसके अंदर एंट्री बनानी है स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आप नई एंट्री बनाना चाह रहे हैं तो उस सेक्टर को और उस शेयर को सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें आपको स्पेस नज़र आए। चढ़ते हुए शेयर्स को या चलती हुई गाड़ी में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, छोड़ देते हैं जी इसको भी सारा टेक्सटाइल वीविंग शिपिंग ट्रांसपोर्ट सेक्टर का। हमने तो भाई ये नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन बेच दिया हुआ है, हमने खरीदा था फिर उसके 7-8 रुपये प्रॉफिट लिया इसमें से। अब दोबारा देखेंगे कि इसको कहाँ पे इसका एनालिसिस करना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको याद होगा कि 140 के करीब ये चला गया था। मेरा ये ख्याल है कि 180 प्लस ये जाए तो आप इसमें से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग फरमाएं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद ये 80 से ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह। जिनके पास है वो हौसला फरमाइए। बस यार और कुछ नहीं है, चलते हैं कैंडल की तरफ। और कैंडल क्या कह रही है? कैंडल ये कह रही है कि मार्केट जो है वो गुज़िश्ता 3 दिन से कुछ साइडवेज होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह आप ये देखें तो मार्केट जो है ये बिल्कुल 48,000 और 48,400 के आगे पीछे जो है वो गुज़िश्ता 3 सेशंस जो है वो मार्केट ने गुजारे हैं। मार्केट जो है वो यहाँ पर सांस ले रही है, एक अच्छी बात है। मार्केट को न्यूज़ की ज़रूरत थी, न्यूज़ तो मार्केट को मिल गई है दो। एक तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैक्सेस हैं उनको कम करने की बातें हो रही हैं, और दूसरा जो है ये पावर जनरेशन के हवाले से और कुछ पेमेंट्स के सिलसिले के हवाले से भी बातें हो रही हैं। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि जो हमारी ग्रोथ है उसके हवाले से भी बात हो रहे हैं कि शायद वो 4% प्लस की बातें हो रही हैं। तो ये सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, इनका इम्पैक्ट तो बहरहाल मार्केट पर होगा और होना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन तमाम न्यूज़ के पीछे, सिर्फ महज न्यूज़ के पीछे नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ आपको स्टॉक्स का जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। चलते चलते जो है वो हम थोड़ा सा इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं। काफी अरसा नहीं हुआ, वो छोटा बच्चा हमारा ZigZag वो क्या कहता है। तो ZigZag जो है देखें, उसने मार्केट का जो है वो बॉटम डिसाइड कर दिया है और अब उसने मार्केट का टॉप डिसाइड करना है। तो लेट्स सी, इसका मतलब ये है कि मार्केट स्टिल अपसाइड। मार्केट का अगर जो ट्रेंड देखें तो ट्रेंड अपसाइड है। मार्केट का अगर हम मूव देखें, मूव भी अच्छी है, वॉल्यूम्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जहां पर आके चीज अटक रही है वो ये है कि मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है। अब मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई मार्केट को 50,000 की तरफ जाना है तो मार्केट को ना सिर्फ के स्ट्रॉन्ग न्यूज की जरूरत है बल्कि उसके साथ साथ एक छोटी सी डिप की भी जरूरत है। लेकिन अगर वो डिप नहीं लेगी तो शायद इसको ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर मार्केट जो है वो डिप लिए बगैर ऊपर जाती है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और ज्यादा टाइम लगने की सूरत में जब मार्केट एक ही जगह पर 300 पॉइंट के अंदर घूमेगी तो सर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बाइंग और सेलिंग की मिलेंगी, उसको मिस मत कीजिएगा। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे।
आरएसआई को देखते हैं, आरएसआई क्या कहती है। आरएसआई जो है वो 70+ है, और 70+ जब आरएसआई होती है तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये ओवरबॉट पोजीशन में है, यहाँ पर एंट्री नहीं लेने चाहिए। लेकिन ये जो बातें होती है ना ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की, ये बातें किसी हद तक दुरुस्त होती हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको एंट्री फरमानी चाहिए, लेकिन उन शेयर्स के अंदर के जिनके अंदर अभी सेचुरेशन नहीं है, और वो हर सेक्टर के अंदर आपको एक दो तीन शेयर्स जो है वो मिल जाएंगे। बस मेरा ख्याल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है यार। 2-3 दिन हो गए हैं हमने अपनी कंपनी की मशहूरी नहीं की, वो करनी है बस, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस सिलसिले को खत्म करते हैं। ये है जी हमारी सर्विस, बेसिक सर्विस भी है और इनहेंस सर्विस भी है। इसमें से अगर आप कोई भी ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो हमारी ये जो इनहेंस सर्विस है ये हमने वक्ती तौर पर बंद की हुई है। इसके अंदर अभी हम मजीद क्लाइंट्स नहीं ले रहे। हाँ, लेकिन अगर आप बेसिक सर्विस में कुछ एंट्री फरमाना चाहें तो आप फरमा सकते हैं। इसकी फीस जो है वो सिर्फ 2,000 रुपये है, और जो भी दोस्त अहबाब हमारे साथ रब्ता करना चाहें वो एक चीज़ को जहन में ज़रूर रखिएगा कि सर हम बंदे थोड़े से स्लो, आराम से पुरसकून तरीके से काम करने वाले हैं। कोई ऐसा शेयर या कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि हम आपको कोई शेयर बताएंगे और वो महीने में डबल हो जाएगा, या हम आपको शेयर बताएंगे और साथ में हम आपको टाइम फ्रेम भी बताएंगे जी कि वो इतने अरसे में वो इतना ऊपर चला जाएगा। सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम आराम से सुकून से काम करने वाले लोग हैं, डबल ट्रिपल करने वाला कोई सिलसिला नहीं है। लिहाजा हमारे साथ वो दोस्त राबता फरमाएं जो जो पुरसकून तरीके से काम करना चाहते हैं, और जो डबल ट्रिपल शेयर, डबल या ट्रिपल होने वाले शेयर्स नहीं चाहते, ठीक है ना। तो ज़रूर आप रब्ता फरमाएं नहीं जो हमारी कोई सर्विस वगैरह लेना चाहते हैं। बाकी हमारा ऑफिस है, अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो वो भी दरवाजे खुले हैं, लेकिन बराए मेहरबानी रब्ता करके आइएगा। हमारा जो नंबर है वो मैं ज़रा दोबारा रिपीट कर दूँ अगर मुझे मिल गया तो। ये हमारा नंबर है जी, ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर पहले रब्ता फरमाइए और हमारे साथ जो है वो अपॉइंटमेंट बना के आइएगा, ताकि कोविड वगैरह के सिलसिले में कोशिश यही होती है कि एक वक्त में किसी एक दोस्त को ही टाइम दिया जाए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, सोच समझ कर डिसीजन किया करें, देखभाल कर डिसीजन किया करें यार, बड़ी मेहनत की कमाई है। अभी तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे साथ जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं अभी तक हमने किसी एक शेयर के अंदर भी लॉस बुकिंग नहीं की। तो कामयाबी दो किस्म की होती है, एक कामयाबी होती है कि जब आप प्रॉफिट लेते हैं, और दूसरी कामयाबी ये होती है कि आप नुकसान नहीं करते। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि नुकसान का ना करना और प्रॉफिट टेकिंग करना, तो फिर ये आपको डबल डबल जो है वो आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। तो अल्लाह का शुक्र है यार, अभी तक ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि हमने कुछ लॉस बुकिंग की हो। तो आप लोग भी लॉस बुकिंग से परहेज़ किया करें, सोच समझ कर फैसला किया करें, और बराए मेहरबानी हर वक्त स्क्रीन के आगे मत बैठा करें। चाहे आप डे ट्रेडिंग ही क्यों ना करते हों, स्क्रीन से के आगे बैठना छोड़ दें। कोशिश किया करें 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद स्क्रीन को देखें, बल्कि आधे घंटे के बाद देखें, डिसीजंस करें, और उसके बाद लिमिट्स पे ऑर्डर लगाएं, स्टेप्स में बाइंग करें, स्टेप्स में सेलिंग करें, और हर वक्त स्क्रीन के आगे मत बैठें। अगर आप बैठेंगे तो फिर कुछ ना कुछ आप ज़रूर फरमाएंगे, और जो फरमाना है वो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है यार, अपना ख्याल रखिएगा, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।